नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ किशन सेठी जी हैं, जो डेरा सच्चा सौदा में काफी लंबे समय से जुड़े हैं, बैंक के एम्प्लॉय हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या काम है डेरा सच्चा सौदा। लोग इसमें ही उलझे रहे, पर आपने उसमें भी कब्जा कर लिया। आपने ट्विटर पे माहौल लगाया, फेसबुक पे माहौल लगाया कि हमारे प्रोग्राम ने हमारे को नशे पत्ते से बचाया और अच्छे काम करने के लिए हमारे को इस रास्ते पे लगाया। हमारा परिवार जो आज बड़ी आनंद मान रहा है, खुशियां मना रहा है, जो कि इस रास्ते पे आने से हमारे को बहुत कुछ मिला है जो कि हम सोच नहीं सकते थे। जिनके मार्गदर्शन से हमारा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों मेरे बच्चे जो कि नशे पत्ते से बचे हुए हैं, आजकल के युग के अनुसार जो कि नशे के अंदर बच्चा जा रहा है, उससे तई ने हमारे को बचाया है। सर, आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है डेरा सच्चा? हाँ जी, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है जो कि डेरा सच्चा सौदा रेगुलर जाता है। हम सारा परिवार जाता है, जो कि अभी तक तई ने जो कुछ किया हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जो कि हम सोच नहीं सकते थे। बताइए, हमारे को इतना कुछ दिया है जो कि वचन आज तक सत्य है और सत्य ही रहेंगे। सर, लेडीज भी आपके परिवार से आश्रम में जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। लेडीज को लेकर माहौल कैसा है सर आश्रम? बहुत अच्छा माहौल है, कोई ऐसा नहीं है, सब बहन भाई की तरह रहते हैं। कोई ऐसी बात आज तक कभी देखी नहीं। हम रात को भी गए हैं, दिन को भी गए हैं, सुबह भी गए हैं, कोई ऐसी बात कभी भी कभी किसी को देखने को कोई मौका नहीं मिला। पताई ने हमारे को बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो कि हम सोच नहीं सकते। जो 3-4 साल पहले मीडिया में दिखाया जा रहा था, वो सरासर गलत दिखाया गया है जी। आज तक ऐसा कुछ हमने कभी देखा भी नहीं और ना ही सोच सकते। ये पताई ने हमारे को खुद दिखाया, जो कि परिवार के अंदर रहते हुए भी अच्छी शिक्षा दी है हमारे लिए। सर, जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये आरोप सरासर गलत है, सरासर गलत है। और इसके अंदर जो आरोप लगा है वो आज तक कानून के अंदर देखा गया है। पक्ष विपक्ष दोनों खड़े होते हैं, उनके सामने जो फैसला दिया जाता है वो ऐसा नहीं हुआ। सच क्या है एक्चुअली में, गुरुजी का नेचर कैसा है? नेचर बहुत अच्छा है और हम सोच नहीं सकते थे। हमारे को हमेशा ही प्यार दिया है उन्होंने, प्यार से रखा है, प्यार से रहे हैं। हमारे को मार्गदर्शन प्यार का ही दिया है आज तक। उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है सर समाज के लिए? बहुत अच्छा है, समाज के अंदर जो उन्होंने बुराइयां हैं बहुत दूर की हैं, जैसे कि वैश्यवृत्ति को बड़ा दूर किया है, उनको अपनी बेटी बनाकर और दूसरे बच्चों के साथ शादी की है और बेटी बनाकर ही उन्होंने रखा है। दूसरों के परिवार के अंदर जब बेटी वो गई है तो उसका परिवार बहुत अच्छा हमारे देखने के अंदर आया है कि 4-5 परिवार हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा लगा है, जो कि परिवार फल फूल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सर, क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? बिल्कुल है, जरूरत तो नशा वृत्ति इतनी हो गई है, आप सोच नहीं सकते कि आजकल का नौजवान नशे के अंदर बहुत ज़्यादा है। जगह जगह सफेद चिट्टा नशा और बिक रहा है, सारा कुछ बिक रहा है। उनसे बचने के लिए महाराज जी का आना जरूरी है, जो कि बुराइयों से दूर किया जा सकता है। क्या अपील करोगे सर सरकार से? हम अपील करते हैं सरकार से कि गुरु जी की सख्त जरूरत है, जो कि नशे पत्ते से बचाने के लिए नौजवान को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए उनकी सख्त जरूरत है। लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते हैं, वेल एजुकेटेड, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहिए? लोगों डेरा सच्चा सौदा के अंदर IAS ऑफिसर और अच्छे गस्टेड ऑफिसर बहुत आते हैं, जिनके परिवार के अंदर, मेरे खुद के परिवार के अंदर मेरे बच्चे दोनों बीटेक है, एक छोटा बेटा IIT पास आउट गुवाहाटी से है, जो कि गुरु जी के वचनानुसार आज उन्होंने शिक्षा लेकर हुआ जहाँ इस मुकाम तक
जरूर टाइम लगाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार पब्लिक सामने आ रही है, ये भी कहना है कि झूठा फसाया जा रहा है, झूठा बदनाम किया जा रहा है, जो एलिगेशन है सब झूठे हैं। एक तरफ ये करोड़ों लोग, एक तरफ चंद लोग, आखिर सच क्या है ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए।